अभी एक बहुत स्पेशल गेस्ट आपसे मिलने आएंगे एंड वो आप सबसे बातें भी करेंगे और आपसे मिलेंगे भी और आप लोग को बहुत मजा आएगा और मुझे तो आएगा ही मजा, आप लोग को भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने ज्वाइन किया? नमस्ते सर। नमस्ते सर। मैंने मैंने आप सबको डिस्टर्ब नहीं किया ना, आप बड़ी मजे की बातें कर रहे थे, ऑनलाइन कैलोरी बर्न कर रहे थे आप लोग। सर नमस्कार सर, और आप आ गए सर, आपने हमको ज्वाइन किया सर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैंने अभी इनको बताया कि एक स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं सर, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा सर। और सर ये लोग आपके आने से पहले ये भी बात कर आपकी बहुत बात कर रहे थे सर, आपके बहुत सारे फैन हैं सर यहाँ पे। अच्छा, मैं तो अचानक आपको आ गया हूँ, लेकिन मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ी हंसी खुशी के माहौल में थे और मुझे लग रहा था कि आप बिल्कुल एग्जाम का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं है, उसके कारण आपकी खुशियों का कोई पार नहीं है ऐसा दिख रहा था। और आप कमरे में बंद होने के कारण ऑनलाइन कैलोरी कैसे बर्न करना वो भी सीख लिए हो। अच्छा, कैसे हैं आप सब लोग? सर अच्छे, आप बताइए। आप सब स्वस्थ हैं? हाँ सर, स्वस्थ हैं। आपके परिवार के सब सदस्य स्वस्थ हैं? अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर। टेंशन गया? मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? तो फिर तो मेरी किताब लिखना बेकार है। है, मैंने एग्जाम वॉरियर में कहा है कि कभी टेंशन मत रखो, तो फिर आप टेंशन क्यों पालते थे? सर हम रोज प्रिपरेशन करते हैं, तब टेंशन का बात ही नहीं होता। कब टेंशन होता है सर? टेंशन कब होता है? टेंशन अगर कुछ नहीं लगा सर। और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। लेकिन आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या? आपका शुभ नाम क्या? सर हितेश्वर शर्मा सर। हाँ जी, शर्मा पंचकुला से। सर हितेश्वर शर्मा। शर्मा जी पंचकुला में रहते हैं? जी सर। किस सेक्टर में? सर 10 सेक्टर में सर। हैं? 10 सेक्टर सर, 10 सेक्टर, 10। मैं 7 में रहता था, बहुत बहुत साल तक रहा हूँ वहाँ। आज ही पता लगा सर मुझे। हाँ, मैं वहां रहता था। जी सर। सर बहुत आपके यहाँ पे सर, बहुत आपकी सपोर्ट करने वाले लोग सर यहाँ पे आपको देखना चाहते हैं सर लोग दोबारा। अच्छा ये बताओ भाई, आप तो 10वीं में टॉपर थे तो पक्का घर में तैयारी होगी, 12 में भी टॉपर करेंगे, अब एग्जाम ही चली गई तो आपका तो सारा रुक गया। सर वही मैं बता रहा था, अपेक्षा है लोगों की, पर मुझे अच्छा लगा सर क्योंकि मतलब अगर मैं परीक्षा देता तो प्रेशर बढ़ता जा रहा था, एक सैचुएशन पॉइंट रीच हो चुका था और हम देख रहे थे कि इतना सेफ भी नहीं है, और आपने बिल्कुल समय से इतना बेहतरीन निर्णय ले लिया। और मैं मानता हूँ सर, जो टॉपर है या जो मेहनत करता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वो ज्ञान हमेशा ही हमारे साथ रहता है। और जो निरंतर पढ़ाई करता आ रहा है, जो कंसिस्टेंट है सर, जो भी क्राइटेरिया आएगा, जो भी आप निर्णय लेंगे तो उसमें वो फिर भी अव्वल ही रहेंगे, तो उसमें उन्हें इतनी चिंता की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टॉपर निराश हैं या ऐसे हैं, मैं मानता हूं कि हमने प्रोविजन तो रखा ही है कि आप दोबारा पेपर दे सकते हैं, तो एक बहुत ही समझा हुआ निर्णय मैं मानता हूं, और हम इसके जीवन आपके सर आभारी रहेंगे। अच्छा बच्चों, आप जब ये कुछ लोग रहते हैं बड़े, अपने आप को बड़ा बहादुर मानते हैं, बड़े पहलवान मानते हैं और कहते हैं मैं मास्क नहीं पहनूंगा, मैं ये नियम पालन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, अब तब आप लोगों को कैसा लगता है? नियम को तो मानना ही पड़ेगा। आशिमा पुरी, बुरा लगता है से बात कर रही हूँ। तो जैसे अभी आपने बोला कि जब लोग मास्क नहीं डालते या कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते तो बहुत उस टाइम पे डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि जो हमारी सरकार है उसने इतनी अवेयरनेस क्रिएट की है इस पेंडेमिक को लेकर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वो बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, बट
स्टिल जब लोग नहीं समझते इस बात को तब बहुत बुरा लगता है. एंड मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि हमने और हमारे मतलब लोकैलिटी में कुछ बच्चों ने तो हमने एक अवेयरनेस ड्राइव कुछ महीने पहले चलाई थी जब अनलॉक हुआ था यहाँ पे. एंड हमने जैसे नुक्कड़ नाटक किए, हमने प्रॉपर कोविड गाइडलाइन से लेकर लोगों में जगह जगह जाकर हमने बताया था कि आपके लिए कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना एंड उसको लाइक वॉश करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप लोग इसको फॉलो कीजिए. तो आई थिंक कि ऐसे अगर हम अपने लेवल पे भी कुछ इनिशिएटिव लें और खुद रिस्पॉन्सिबल बने तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है. अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने आपका जो, क्योंकि मैं जानता हूं जब 12th में बच्चे होते हैं तो उनके दिमाग में परिवार में आगे का यही चलता रहता है. आप परसों तक तो यानी 1 तारीख सुबह तक तो इस मूड में थे कि आज ये पढ़ूंगे, कल ये पढ़ेंगे, सुबह 5 बजे उठेंगे, 4 बजे उठेंगे, ये करेंगे, वो सब सोचा होगा, कई टाइम टेबल बनाया होगा. अचानक सब चला गया, एक वैक्यूम आ गया. उस वैक्यूम को कैसे भरेंगे? नमस्कार सर. नमस्कार सर. नमस्कार जी. एक 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 हाँ बताओ बेटा. सर नमस्कार. सर विधि चौधरी गुवाहाटी रॉयल नोबल स्कूल से. गुवाहाटी से हैं सर आपने? हाँ सर गुवाहाटी. बताइए. हाँ सर. सर मैं बस ये कहना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से कहा अभी कि 1 तारीख सुबह तक सबके मन में इतनी सारी चीजें थी, सर आपने जैसे स्टार्ट किया था आपने अपना एग्जाम वॉरियर्स के बारे में आपने बताया था, तो मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी इधर सभी से कि मैं 10वीं कक्षा में थी जब मतलब मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी और मैं ट्रैवल कर रही थी, कलकत्ते से यहाँ आ रही थी एंड एयरपोर्ट में मेरे को आपकी बुक दिखी. सो मैंने तुरंत ही उसे खरीद लिया था एंड मेरी 10वीं की परीक्षा होने वाली थी. मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस था सर. मैंने 1 महीने तक रोज उस बुक को पढ़ा था एंड सर इस बार मेरे को मतलब आपने बुक की शुरुआत इसी चीज से कही थी कि एग्जाम को त्योहार की तरह मनाओ. तो सर त्योहार के लिए डरने की क्या आवश्यकता है? मतलब त्योहार के लिए तो हम तैयारी करते हैं ना कि वो सक्सेसफुल हो. एंड आपने सबसे बड़ा मंत्र जो योगा का दिया था आखिर में, मतलब आपने जो बुक योगा के मंत्र से एंड की थी, सो सर ये दो चीजें जो है वो मन में लगातार थी कि माना परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, सब कुछ था, बट ये जो भावना से हमने एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन की मैंने 12वीं में जिस तरीके से की, सर आप ही को धन्यवाद उस बुक के लिए कि बिल्कुल भी ऐसा. अच्छा, मेरे सवाल का जवाब रह गया है और एक एक नौजवान लगातार हाथ ऊपर कर रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है. हाँ, मेरा मन में बताइए. मेरा नाम नंदन हेगड़े. क्या सुनना सर? क्या सुनना? मेरा नाम नंदन हेगड़े सर. नंदन हेगड़े कर्नाटक से हैं? हाँ सर कर्नाटक से. हाँ बताइए. बेंगलुरु से सर. सर मैंने सोचा ये परीक्षा मेरा जिंदगी का अंतिम परीक्षा नहीं है सर, आगे तो बहुत परीक्षा आने वाला है सर. अब हमारा आरोग्य को बचा के रखना है और उस आगे आने वाला परीक्षा को सामना करना है सर. अच्छा, अभी आप एग्जाम से फ्री हो गए, नमस्कार सर, तब मन में क्या IPL देखने में टाइम लगाएंगे या चैंपियंस लीग फाइनल को देखेंगे या फ्रेंच ओपन देखने के लिए दिमाग खपाओगे या जुलाई में ओलंपिक शुरू होने वाला है उस ओलंपिक के लिए मन लगेगा? जरूर देखेंगे. भारत से ओलंपिक में कौन लोग जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसमें मन लगेगा कि फिर 21 तारीख को योगा दिवस है तो उसमें मन लगेगा, क्या लगेगा? सब चीजों में मन लगेगा सर. हाँ, ये चश्मा वाली बेटी कुछ बोलना चाहती है, कब से मौका नहीं मिल रहा है उसको. सर जैसे ही पता चला कि आपने हमारे एग्जाम सब कैंसिल कर दिए तो पहले तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली अब एक स्ट्रेस कम हुआ कि अब हमें पता है कि हमें सिर्फ हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है. पहले होता था कि बोर्ड्स की तैयारी करते फिर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते, अब ऐसा हो गया कि हमारे पास इतना ज्यादा टाइम हो गया कि हम बहुत अच्छे से हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. तो सर मतलब मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ. तो दिमाग से एग्जाम जाता रही है? हाँ सर. नहीं सर बिल्कुल नहीं जाता. तो बिल्कुल नहीं जाएगा. नहीं जाएगा. आप घर में हैं तो आपके मम्मी पापा सुनते होंगे सारा अभी? यस सर. कहाँ है दिखाओ. सर मैं बुलाती हूँ सर. नमस्कार सर. नमस्ते. एक मिनट, मैं पहले उनके माता पिता के लिए मिल रहा हूँ. हाँ नमस्ते जी. नमस्कार सर.
तो आपको क्या लगा बेटी अब मुक्त हो गई? तो सर अच्छा डिसीजन है क्योंकि पूरे देश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब है और इन बच्चों के ऊपर से तनाव खत्म हो गया और अब आगे के लिए ये अपने करियर के लिए अब तैयारी कर सकते हैं, हमें अच्छा लगा। चलिए मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत उसको पॉजिटिव लिया है। हाँ और कोई बच्चे कुछ कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, एक मिनट, ये जो चेक्स वाले शर्ट पहना है उन नौजवान से कब से मौका नहीं मिल रहा है, बताइए भैया। नमस्कार सर, मैं अभिराम के बेंगलुरु से हूँ सर, केंद्रीय विद्यालय मल्लेश्वरम बेंगलुरु से हूँ सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, हमारे परिवार। थैंक यू भैया, बड़े फैन है सर। आपका डिसीजन बहुत अच्छा था सर, क्योंकि सर सलामत तो पगड़ी हजार। वाह वाह वाह, सर सलामत तो रखना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ हमारे यहाँ कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। आप ही हमारे लिए स्फूर्ति है सर, इंस्पिरेशन है। अच्छा आप हेल्थ, आप सर सलामत तो पगड़ी हजार तो बराबर है, लेकिन सर का मतलब आप ये तो नहीं कर रहे कि दिमागी सलामत कि पूरा फिजिकल बॉडी सोचते हैं? फिजिकल भी। अच्छा क्या करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, स्वयं कितना समय देते हो, क्या करते हैं? सर मैं हर दिन सुबह उठ के 30 मिनट योगा करता हूँ सर, योगा और एक्सरसाइज करता हूँ, मैं और मेरा भाई दोनों साथ में करते हैं सर, छोटा भाई। आपके घर वाले सुन रहे हैं, देखिए फिर पकड़े जाओगे। नहीं सर मैं उनको पूछूंगा। तीस मिनट हर दिन करता हूँ सर, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों साथ में मिलकर करते हैं सर, हर दिन योगा करते हैं। और मैं हर दिन अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं तबला बजाता हूँ सर, मैं 6 साल से तबला ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो हर दिन मैं तबला बजाता हूँ। अच्छा, सो उससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है सर। तो म्यूजिक म्यूजिक आपके परिवार का स्वभाव में है सबके? हाँ सर, मेरे मम्मा भी सितार बजाती थी सर, इसलिए घर में संगीत का वातावरण है। इसलिए मैं तबला। अच्छा और छोटा भाई जिससे अभी तक मुझे बात करने का मौका नहीं मिला है उनको अब मौका दूंगा। अभी एक बच्ची जिसने ईयरफोन वाइट लगाया है वो मेरे सामने है, वो कुछ बताना चाहती है। नमस्ते सर, मेरा नाम कशिश नेगी है, मैं MRE DAV पब्लिक स्कूल सोलन हिमाचल प्रदेश से हूँ। सर मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इट्स लाइक जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आपसे ऐसे मुलाकात होगी। और सर आपको एक थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही लिया है, क्योंकि हम 1.5 साल हो गया था हमें प्लस टू के बच्चों को कि वो सिर्फ प्लस टू में ही थे, मतलब उनकी जिंदगी रुक सी गई थी, कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी और कुछ रिटार्डेशन भी नहीं हो रही थी। तो सर जो आपने डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी सर, थैंक यू। धन्यवाद। हाँ जिस बच्चे ने उंगली उठाई है जरा बताइए बेटा। नमस्कार सर, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जयपुर राजस्थान से 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ, मेरा नाम जन्नत साक्षी है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए आपने जो निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा और सेहत सर्वोपरि है। हमें CBSE पर अटूट विश्वास है कि वे मूल्यांकन हेतु जो भी मापदंड निर्धारित करेंगे वह हमारे हित में ही होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमें हमारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन्यवाद सर। अच्छा सब पेरेंट्स जितने भी हैं सारे सब आ जाए स्क्रीन पे, बुला लीजिए आपके माता पिता अगर है तो, क्योंकि उन सबको इच्छा होगी कि चलिए ये, और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। हाँ नौजवान कोई मेरे सामने दिख रहे हैं बताइए, सफेद शर्ट वाले कोई सज्जन बोल रहे हैं? हाँ सर, अभी मम्मा यहाँ पर है नहीं, पर हम लोग जब मम्मा और मैं साथ में बैठते हैं तो मम्मा बताते रहते हैं मोदी जी कर देंगे, चिंता मत कर। और जैसे जैसे लॉकडाउन में रहा करते थे तो दाढ़ी भी बढ़ती थी, तो मम्मा कहते थे क्या करेगा ऐसे, मैंने कहा मम्मा मोदी जी के फैन है, ऐसे बढ़ा के रखेंगे थोड़े। और मेरा नाम शिवांशी अग्रवाल है सर, मैं केंद्रीय विद्यालय नई दिल्ली की छात्रा हूँ। सर मैं ये कहना चाहूंगी एग्जाम जब कैंसिल हो गए हैं, हमें जितना एक्स्ट्रा समय मिला है मैं उसका अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी में उपयोग करूंगी,
और सर एग्जाम कैंसिल करने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा आप लोग ऐसा कीजिए, कागज में नंबर लिख करके बैठिए ताकि मैं बोलूंगा ये नंबर, तो वो नंबर मैं तुरंत बुलाऊंगा, ताकि वरना क्या हो रहा है कि मुझे आपका नाम तो पता नहीं, क्योंकि अचानक आ गया हूँ, तो मैं ऐसे ही आपको परेशान कर रहा हूँ। हम आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ बताइए। नमस्ते सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं सर, बहुत बड़े फैन हैं। आप जो भी डिसीशन लेंगे बच्चों के हित में ही होगा, इसीलिए बहुत जो भी करेंगे हम आपके साथ हैं सर, हमेशा आपके साथ रहेंगे। एक नंबर, नंबर वन। हाँ जी नमस्कार सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, आपका डिसीजन बहुत ही बढ़िया था हमारे बच्चों के लिए। मैंने अभी सबको कहा कि आप इस निर्णय से बाहर जाइए, एग्जाम से बाहर निकलिए, कुछ और बातें कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल, और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू, और ये बहुत अच्छा था सर। यू आर द बेस्ट, और अभी जो हम अपने बच्चों के लिए आने वाला टाइम देखेंगे तो उसमें यही चाहेंगे कि ये इस समय का सदुपयोग करें और अच्छे से आगे जाके अपना करियर बनाएं। 26। एज अ डांसर आई थिंक मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए, मैं डांस करती हूँ तो मैं कथक करती हूँ, जब साइकिलिंग जाने का मन होता है तो साइकिलिंग करती हूँ, और सबसे पहली चीज जो मैंने रिजल्ट आने के बाद, आपके डिसीजन आने के बाद की थी, वो मैं 12 बजे तक सोई थी। अरे वाह, एग्जाम की वजह से सुबह 8 बजे उठना पड़ता था तो उस दिन मैं 12 बजे तक सोई थी। चलिए बढ़िया। सर मेरा नाम चित्रका टेपर है, मैं नेशनल मॉडल स्कूल कोयम्बटूर तमिलनाडु से हूँ सर। सर मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ बोर्ड का कैंसिल होने वाला था, तो लाइक बीच में कम पड़ता था तो पहले तो आपके परिवार को मेरा वणक्कम। वणक्कम सर। हाँ वैसे तो हम राजस्थान से सर, रहते तमिलनाडु में, तो मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं? ये सर 12th में। नहीं, एस्ट्रोलॉजी जानते हैं? हाँ सर। तो ये कैसे पता चला कि होने वाला है? सर वैसे ही अनुमान लगा लिया था, और अच्छा डिसीजन था सर, कैंसिल लिखने से ज्यादा कैंसिल पड़ने तो आराम से खत्म हो जाएगा सर, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो गया लॉकडाउन की वजह से। वो तो हफ्ते भर में सब घर वाले नाराज हो जाएंगे, देख रहा तुम ये नहीं करते हो, तुम जल्दी उठते रही हो, चलो नहा लो तुम डालते रही हो, चलिए तुम्हारे पापा का आने का टाइम हो गया, अब देखिए डांट पड़ने वाली है। हाँ सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरा नाम तमन्ना है, मैं डीएवी मॉडल वेस्ट बंगाल से हूँ। जैसे कि आपने कहा कि हमारे पास बहुत सारा टाइम है, तो लॉकडाउन में मैंने और मेरे दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। अरे वाह, उस पर भी फोकस कर सकते हैं। हाँ, और उसके क्या नाम है यूट्यूब चैनल का, क्या नाम है? तमन्ना शर्मीली। अरे वाह। हाँ तो उसपे हम लोग अलग अलग टाइप के वीडियोस डालते हैं, एक हमने छोटी सी पोएट्री करी थी उसपे भी वीडियो डाला है, एक शॉर्ट फिल्म है वो भी डाला है। 21। हाँ बताओ बेटा। नमस्ते, चलिए फिर से गुवाहाटी आ गया। हाँ सर आइए ना, प्लीज आइए सर, आपसे मतलब मिलने का मौका मिला तो उससे बढ़िया क्या होगा सर। सर मेरी दादी जी और मेरे पापा के साथ हूँ। नमस्कार सर। हाँ सर, मतलब थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर आवर कंट्री सर, थैंक यू वेरी वेरी मच, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू, दैट्स व्हाट आई कांट, आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स टू से फॉर यू, थैंक यू। जो कुछ भी किया है हर क्षेत्र में, इट वाज वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू सर। मेरी दादी जी अपडेटेड हमेशा रहती है, आपको हमेशा न्यूज फॉलो करती है और हमेशा मुझे बताते रहती है कि आज ये अनाउंसमेंट हुआ, आज ये हुआ। अच्छा तो दादी जी को सारी राजनीति का पता है? हाँ सर, दादी जी को पूरी राजनीति, राजनीति न्यूज से सारी अपडेटेड रहती है। अच्छा अच्छा, आजादी के इस बार 75 वर्ष है, आजादी के 75 साल हो रहे हैं, क्या आप लोग आजादी के जंग में
आप जिस जिले में रहे वहां क्या घटना हुई थी, आजादी के समय क्या हुआ था, उस पर एक बड़ा अच्छा ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस तो रिसर्च करेंगे। बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। पक्का? यस सर। चलिए बढ़िया। यस सर। सर मैं आपकी बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू सर। आपने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा डिसीजन सर हमें लगा। आपने मतलब सब बच्चों के बारे में सोचा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू। और जो और सर जो आपने कश्मीर में जो धारा 370 हटाई थी सर, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा सर डिसीजन था वो। धन्यवाद जी। हाँ सर, ये मेरे मम्मी पापा हैं। तो उनको सबको पता चल गया है आपने क्या क्या मुझे बताया है, अब आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। सर बताइए। आपके सर सारे गुणों का बहुत सम्मान करता हूँ, पर्टिकुलर सर ईमानदारी का मैं कायर हूँ सर। लेकिन सर एक गुजारिश है आपसे कि अभी भी हमारे भारत देश में जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं सर, उनका बहुत शोषण होता है सर। इसमें कृपया करके सर कुछ ऐसी नीति बनाए कि उन लोगों को सम्मान मिले, जिससे उनको उनकी ईमानदारी को देखते हुए बच्चे अनुसरण करें, दूसरे अनुसरण करें। नीति तो बनती है, लेकिन कुछ लोगों की नियत जो होती है वो रुकावट बनती है। yes, तो हम सब मिलकर के वातावरण बनाएंगे तो जरूर बनेगा जी, सब अच्छा हो सकता है। 31 फाइव सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। हाँ बताइए बेटा, क्या कहना चाहती हो? जी सर, सर मेरा नाम अरनी साबले है, मैं एनिवेसन स्कूल इंदौर से हूँ। सर अभी जो आपने डिसीजन लिया वो तो अच्छा था ही, उसके अलावा आपका इंदौर किस बात के लिए मशहूर है? क्लीनलीनेस, स्वच्छता। हाँ इंदौर के जिस प्रकार से कमाल किया है स्वच्छता को लेकर के, ये वाकई सब चर्चा है इसकी। जी सर। ये नंबर पूरा दिखता नहीं बेटा, तुम्हारा नंबर 5 है क्या? हेलो सर। हाँ 5 5। हाँ नमस्ते जी। मैंने पहले 5 नंबर से मैं बात कर रहा हूँ। ये बेंगलुरु तबला वादक तुम्हारा बहुत हो गया, बार बार तुम परेशान करते हो। हाँ नंबर 5 बेटा सुनाई नहीं दे रहा है, 5 नंबर तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। सर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो मंडी हिमाचल प्रदेश से, श्रेजल गुलेरिया। हिमाचल में कहाँ से बेटा? सर मंडी। जवाहर नवोदय विद्यालय। यस सर। सर मेरे दादा आपके बहुत बड़े फैन है। नमस्ते जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो अपना गांव कहाँ पड़ता है जी? मंडी हिमाचल प्रदेश जिला मंडी। मंडी के पास है? मंडी से नजदीक है, 8-9 किलोमीटर। अच्छा की तरफ। और ठीक है? मैं ठीक हूँ। मेरी पोती पहले तो मुझे आपके यहाँ से सेबू बड़ी खाने को मिलती थी। कचौरी भी कभी आना। चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करने का, मुझे मौका मिला और मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। घर में रहकर आप सब युवाओं ने जितने इनोवेशंस किए हैं, जितनी नई नई चीजें सीखी हैं, उसने आपके अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और मैं देख रहा था आज, मैं तो अचानक आ गया, आपको मालूम भी नहीं था, फिर भी आप एक भी बातचीत करके न आप लड़खड़ाए हैं, आप बिल्कुल जैसे अपने टीचर के साथ रोज बात करते हैं, अपने पेरेंट के साथ रोज बात करते हैं, वैसे ही मेरे से कर रहे हैं। ये जो अपनापन है ना,
ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए ये अनुभव बहुत आनंददायक है कि मैं मेरे देश के इतने कोने में बैठे हुए इन बच्चों के साथ इतनी सहजता से मैं बात कर पा रहा हूं। वरना तो कभी क्या होता है, वो देखते ही चौंक जाता है, अरे आप है, फिर वो बात ही नहीं करता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोग कुछ भी भूले बिना बड़े विश्वास के साथ बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है। साथियों, आपके अनुभव जीवन में हर पड़ाव पर आपके वाले हैं। अगर कठिन से कठिन समय है उसको बार बार याद करके रोने चिल्लाने में समय बर्बाद मत कीजिए। कठिन समय से भी कुछ सीखा होगा, वो सीख को लेकर के आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत ताकत मिलेगी। आज जिस भी फील्ड में जाएंगे वहां काफी कुछ नया कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल्स में, कॉलेज में हमें टीम स्पिरिट के बारे में बार बार कहा जाता है, सिखाया जाता है। यूनाइटेड स्ट्रेंथ के लेसन्स हमें दिए जाते हैं। लेकिन कोरोना की मुश्किलों के बीच हमें ये लेसन्स करीब से देखने का, समझने का, जीने का एक प्रकार से नए तरीके से अवसर मिला है। कैसे हमारे समाज में हर किसी ने एक दूसरे का हाथ थामा, कैसे देश ने एक टीम स्पिरिट से इतनी बड़ी चैलेंज का सामना किया है, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है। पब्लिक पार्टिसिपेशन और टीम वर्क के एक्सपीरियंस में जो पक्का विश्वास है, आपको भी एक नई ताकत देंगे। साथियों, कठिन से कठिन समय में भी जितना हमारे देश का, हम लोगों ने इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा, इस बार भी मैं जब भी किसी से बात करता हूं, जैसे मैं अभी एक बेटी बता रही थी, उसके परिवार के दो लोग उसने खो दिए। ये छोटी चीज नहीं होती जिंदगी में, लेकिन फिर भी उसके आंखों में एक विश्वास झलक रहा है। सबको लग रहा है ठीक है, आफत आई है, लेकिन हम विजयी होकर के निकलेंगे। हर हिंदुस्तान के मुंह से, हर भारतीय के मुंह से यही आवाज निकल रही है। हाय, पूरी वैश्विक महामारी है, पिछली शताब्दी में कभी ऐसा संकट नहीं आया है, पिछली चार पांच पीढ़ी में किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं, ऐसा हम लोगों के कालखंड में आ गया है। लेकिन फिर भी हर हिंदुस्तानी का एक ही आवाज निकल दी, नहीं हम इसको भी महत करेंगे, हम इससे भी निकलेंगे और नई ऊर्जा के साथ देश को आगे ले जाएंगे। और मिलकर के आगे बढ़ना, यही तो हमारा संकल्प है और मुझे पूरा भरोसा है आप आगे जहां भी जाएंगे इसी तरह एक साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे और देश को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। और जैसा मैंने कहा, 5 जून पर्यावरण दिवस है, कुछ न कुछ कीजिए एनवायरमेंट के लिए, क्योंकि पृथ्वी को, प्रकृति को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। उसी प्रकार से 21 जून याद है ना, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, और यूएन में ये निर्णय जितने हुए हैं ना, ये योगा दिवस ऐसा है कि दुनिया के सबसे अधिक देशों ने उसका समर्थन किया। यूएन में करीब करीब सब देशों ने समर्थन किया, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। तो ये योगा दिवस में आप भी अपने परिवार में रह करके योगा को जरूर अपनाइए, योगा कीजिए। और मैंने कहा बहुत सारे मैचेज हैं, ओलंपिक्स हैं, जानना चाहिए हमारे देश के कौन होनहार खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं, ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों ने कितनी मेहनत की है, कैसी कठिन परिस्थितियों में वो आगे आए हैं, ये जानने से हमें एक नई प्रेरणा मिलती है, नई ताकत मिलती है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है, आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं, अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे। और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी,
वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी। तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़ी है। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपके माता पिताजी के आप पर आशीर्वाद बने रहे हैं, आपके अपने सपने लेकर के आप जिए और आपके सपनों के लिए आपके माँ बाप को गर्व होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अचानक आपके बीच में घुस गया, आप हंसी मजाक की बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन मैंने आकर के थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया आपको, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।